तो मुंबई में संकट के बादल छाए हुए हैं, जहां एक तरफ देखिए लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर कई जगहों पर जलभराव की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। कुछ देर की बारिश के बाद कैसे तस्वीर मुंबई की बदल गई है, सही जिस सुबह से देख रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, और चेतावनी जारी की गई है शुक्रवार तक के लिए, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मुंबई के बहुत सारे इलाकों में इस समय पानी भर गया है और वहां पर ट्रैफिक बुरी तरह से चरमरा गया। मुंबई और करीबी इलाकों पर बारिश आफत बनकर फिर से बरस रही है। आज सुबह अंधेरी सबने एक बार फिर से पानी में समा गया, हमेशा की तरह इसे फिर से बंद करना पड़ा। मुंबई में जगह जगह पानी भर चुका है, अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई हमेशा बारिश में ऐसे ही डूब जाती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन पानी भरने का खतरा, जल जमाव और जल भराव का खतरा महानगरी मुंबई को परेशान करता रहा है। अंधेरी सायन से लेकर मुंबई के कुछ और इलाकों में बारिश के बाद पानी की स्थिति है। दोपहर के बाद हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई। अंधेरी सबवे बंद, बांद्रा में सड़क पर सैलाब, नवी मुंबई स्टेशन पानी पानी। मुंबई पर बारिश का कहर टूटा है, आसमान से बरसती बौछार मुंबई में हाहाकार मचा रही है, सड़कों पर सैलाब उमड़ा है और सबवे के गले तक पानी भर गया है। भारी बारिश, जल भराव, अंधेरी सबवे बंद। अंधेरी सबवे की हालत देखिए, जहां आसमान रात से लेकर सुबह तक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो बाद इंतजामी का अंधेरा आने जाने वालों को डुबा देने पर तुल गया। सुबह इसे पार करने की कोशिश करने वालों को मुसीबत से जूझते देखा गया। अब तक मिलन सबवे की ये कहानी थी, अब अंधेरी सबवे डूबा है। हालात किसी अनहोनी की वार्निंग दे रहे हैं, लिहाजा उसे टालने के लिए इसे फौरन बंद कर दिया गया। बीएमसी हरकत में आई और पानी निकालने के इंतजाम शुरू कर दिए। मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके पर हम खड़े हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की, मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये अंधेरी सबवे है जिसको बंद कर दिया गया है। लगातार यहां पर बारिश होने की वजह से सबवे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, मगर जब बारिश कम हुई मुंबई में, अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और बारिश कम होते ही यहां का पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतरने लगा है। उधर बांद्रा की तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई में किस कदर बारिश का कदर है और सड़कों पर गाड़ियां सैलाब को चीर कर निकल रही हैं, वहीं काले काले बादल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारी बारिश, सड़क पर सैलाब, सैलाब को चीर कर निकलती गाड़ियां, बरसता आसमान। बीते 12 घंटे में मुंबई में 95.81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे भयंकर जल जमाव साइंस सर्कल में हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई के तमाम उपनगरों में हालात परेशान करने वाले हैं। दहिसर, कांदिवली, मलाड और अंधेरी के कई निचले इलाकों में जल जमाव का संकट गहरा रहा है। दहिसर के आनंद नगर और टोल नाके के पास जल जमाव है। आनंद नगर इलाके की कई दुकानों में भी पानी जा घुसा है। कुरला, चैंबूर में भी बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। तो लगातार कोशिशें तो जारी हैं कि जल भराव अब वापस ना हो, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार चल रही है। भले रुक रुक के चल रही है, मगर लगातार बारिश जो है वो चल रही है। ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो मुंबई के लिए पहले से है, मगर जब जैसे ही बारिश गिरती है, थोड़ी सी बारिश गिरती है, लोगों को जो घंटों का सफर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार जो है लोगों को दो दो तीन तीन घंटे एक जगह फंसा रहना पड़ता है, क्योंकि बारिश उतनी होती है। तो सारी चीजें जो है वो अब ध्यान में रख के बीएमसी किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अभी के लिए शुक्रवार तक ऐसे ही बादल जो है वो मुंबई में बरस सकते हैं। अब जरा नवी मुंबई के खांडेश्वर रेलवे स्टेशन की हालत पर गौर कीजिए। लोकल से उतरते चढ़ते मुसाफिरों को इस दरिया को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। मोटर की आवाज से आप समझ सकते हैं कि पानी निकालने की कोशिश जारी है, मगर भारी बारिश के बीच कामयाबी नहीं मिल रही है।
इन सब के बीच महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाले हालात हैं। मौसम की मार झेल रही मुंबई को बचाने के लिए उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा है। बारिश की बगावत से पार पाने के लिए वो चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं तमाम सचिवों को निर्देश दे रहे हैं कि वो बागी मौसम से निपटने की बागडोर अपने हाथों में संभाल लें। एजाज खान के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक।